मैं जो बाय सेल लेवल का स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। और उसको सोमवार के लिए मतलब 30 दिसंबर 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक सुना है, उसका लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा, उसके निफ्टी और निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा और फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई इंसाइडर वर्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और भी बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न उसके ऊपर डेवलप किया, वो भी आप लोग को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर डेट बेसिस पे देता हूँ वो आप लोग को मिल जाएगा। ये बाय सेल का लेवल आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप स्ट्रैटेजीज है वो जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में आसानी से प्रॉफिट करने से हेल्प करेगा, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ज़्यादा प्रॉफिट सॉरी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए ये मैंने बाय सेल लेवल कम स्किनर जो बनाया है, इसमें बाय सेल लेवल दो फाइल मैंने शेयर करता हूँ। मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप में जो ज्वाइन होता है आप लोग भी ट्रायल कर ज्वाइन होता है, उसका लिंक आप लोग को दिया जाएगा। ये सैम्पल फाइल का भी लिंक आप लोग को दिया जाएगा और बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक भी दिया जाएगा, इसलिए यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसमें बाय सेल लेवल 1 बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3 रहता है और बहुत सारा स्किनर रहता है। स्क्रीनिंग का पैरामीटर वॉलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और कुछ एम ए का क्रॉस ओवर 10, 20, 5, 8, 13 और बी डब्ल्यू ए पी इसमें को क्लाउड बोलिंजर ब्लैंड प्राइस चैनल इसमें बी डब्ल्यू ए पी और टीरन लेवल उसके बाद 5:30, 5:30, 12:26, 20 डेज का हाई लो, 5 डेज का हाई लो उसका ये सब आप लोग देखे स्क्रीनिंग कर सकता है। और इधर बाइसल इस सीट में बाइसल लेवल 3 रहता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बाइसल लेवल है। अप ट्रेंड का बाइसल लेवल ये मेरा सबसे रिकमेंडेड है क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट लेवल है। भाई अप ट्रेंड जब और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड जब इंटीरियस होकर नीचे आएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब रिटेस होकर ऊपर जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा और डाउन ट्रेंड जब रिटेस होकर नीचे आएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा और वैसे कौन सा लेवल कौन सा स्टॉक्स आए वो भी आप लोग को दिख जाएगा। इधर एम ए का क्रॉस ओवर देखे आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं, बहुत सारे एम ए का क्रॉस ओवर 5:30, 20, 50 EMA और 100 EMA का क्रॉस ओवर इधर से आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकता है। उसके बाद एक बार ट्रेंड आप लोग को पता चल जाएगा तो आप लोग ऑनली अप ट्रेंड का बाइसल लेवल देखेंगे और डाउन ट्रेंड का जो स्टॉक्स आप लोग चुनेंगे तो डाउन ट्रेंड का बाइसल लेवल देखेंगे, दूसरा नहीं देखेंगे। आप लोग इधर से भी स्टॉक्स चुन के इधर का बाइसल लेवल देख सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और इधर बाइसल लेवल 1-2 स्क्रीनिंग करके बाइसल लेवल 1-2-3 कोई भी देख सकता है। और बाइसल लेवल 3 मैंने बनाया इसमें ओनली इसमें बाइसल लेवल 3 का जो फाइल है उसमें वैसे लेवल 3 रहता है और 5:34 का ईएमए क्रॉस ओवर रहता है और प्रीवियस डेज का हिसाब से करंट हाई लो क्लोज का क्या पोजीशन है उसका देखिए आप लोग ट्रेंड का एक सीनिंग कर ले सकता है। तो आज का देखता है देखिए ये जो मैंने ये स्टॉक सुना है ये स्टॉक स्क्रीनिंग करके निकला है। तो इधर वैसे लेवल 1 दिखाता हूँ आप लोग को, बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। आप लोग को गैप अप और गैप डाउन सभी लेवल पे कंसीडर कर लेना है। जब स्टॉक ओपन होने के बाद 465 के ऊपर 25 के ऊपर ओपन होगा तो सोच लीजिए 5.350 का ओपन हुआ तो आप लोग को फर्स्ट टारगेट 465.81 आएगा, ये 465.80 आएगा ऊपर ओपी 460.30 में ओपन हुआ तो आप लोग को 460.7 के लिए देख लेना है, ऐसे करके आप लोग को देख लेना है। और सेल का इंटरवल भी ऐसा है आप लोग ये नोट कर लीजिए। उसके बाद बाइसल लेवल 2 है इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद बाइसल लेवल 3 वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा, 465 के ऊपर 25 के ऊपर ओपन होगा तो सोच लीजिए 460 सेल का इंटरवल भी ऐसा है आप लोग ये नोट आप लोग को 460.7 के लिए देख लेना है, ऐसे करके आप लोग को देख लेना है। और सेल का इंटरवल भी ऐसा है आप लोग ये नोट कर लीजिए। उसके बाद बाइसल लेवल 2 है इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद बाइसल लेवल 3 वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा, ये आर वन का वाई का एंट्री लेवल है, इस वन सेल का एंट्री लेवल है और इधर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये बोलिंजर ब्रांड का वैल्यू है, प्राइस चैनल का वैल्यू है
और इसी में बुक आउट आप लोग देख सकता है BW की ये भी आप लोग को एक एक बाई का बाई और सेल लेवल का एंट्री लेवल हो सकता है। और मैंने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखाऊंगा फ्यूचर्स और इंडेक्स दोनों का फ्यूचर्स इन बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी के ये फ्यूचर्स है और ये इंडेक्स है। तो इधर आप लोग बाई सेल लेवल वन उसके बाद टू आप लोग नोट कर ले सकता है बाई सेल लेवल टू और बाई सेल लेवल थ्री दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग को पिवट स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी मिल जाएगा ये है वैसे लेवल थ्री बाद पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट ये बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल ये आप लोग ये वैल्यू आप लोग चेक कर सकते हैं वन डे का हिसाब से आप लोग चार्ट में आप लोग चेक कर सकता है सही है कि नहीं है टीरन लेवल। उसके बाद आप लोग को कमोडिटी का लेवल दिखाऊँगा कमोडिटी में सभी में गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर ले सकता है आप लोग कोई भी बाई सेल लेवल यूटिलाइज कर सकता है इसमें अच्छा रिजल्ट देता है 95% एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। ये मैंने जल्दी कर देता हूँ आप लोग जरा पॉज करके देख ले सकता है आप लोग को और भी कुछ चीज़ दिखाना है ये हो गया और कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखा देता हूँ ऐसे ही आप लोग को जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए या पेपर ट्रेडिंग कर सकता है। उसके बाद आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैंने ऑली वैसे लेवल वन ही दिखाऊंगा इसमें आप लोग पेपर ट्रेडिंग भी कर ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग ज्वाइन भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने अभी इन साइड डबल स्टडी इसमें आर्बिट्रेज है इसमें आर्बिट्रेज वाला वीडियो में आप लोग देख सकता है कौन सा बेसिस पॉइंट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है उसमें और कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग उसमें आप लोग आर्बिट्रेज का ट्रेडिंग कर सकते हैं इंटरडे में और इधर कोरिलेशन कौन सा कोरिलेशन है वो भी आप लोग देख सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो मैंने इंसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप लोग पहले वाला वीडियो देखेंगे देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि इंसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नैरो रेंज मतलब इंसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब नैरो स्ट्रेटेजी से वन डे टू डे का हिसाब से कैंडल्स अगला अच्छा कैंडल वन डे और टू डे का के अंदर रह जाएगा और एन आर सेवन जो 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 रेंज है उसका और एन आर फोर जो रेंज है आज का जो मतलब करेंट जो है लेवल है करेंट जो रेंज है हाई को हाई लो का डिफरेंस है उसका नेक्स्ट जो पहले वाला सात दिन का जो रेंज है उसके सबसे कम रहेगा। उसके बाद ये जब ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट देता है ये वाइट मार्केट भी टेस्ट भी मैंने कहा आप लोग भी कर सकते हैं और मैंने भी इधर व्हाट्सएप पे कॉल देखा आप लोग ये जो आप लोग ये जो स्टॉक्स दिखाता हूँ इसमें ये आप लोग नोट कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं इधर कौन सा स्टॉक्स में ये सीनरी बना है आप लोग को बीच में आके उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा ये आप लोग देख नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इधर मैंने हायर हाई हायर लो भी बनाया है और ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं इधर दोजी कैंडल पॉजिटिव हैमर हैंगिंग मैन ये सब का भी अब मैंने नया डेवलप किया हूँ इन्वर्टेड हैमर और इधर बुलिस मारू बियरिस और बुलिस मारू बुजू मैंने ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसका ओपन लो ओपन हाई बुलिस बियरिस ये भी आप लोग देख सकते हैं ये ओपन है इधर मैंने इधर सेकआउट का मैंने फॉर्मूला बनाया है इसमें भी आप लोग ये स्टॉक ये सब आप लोग स्टॉक्स आप लोग देख ले सकते हैं। उसके बाद चेक कर सकते हैं लाइव मार्केट में उसका हाई लो ब्रेक करने के बाद कैसा प्रॉफिट आता है नहीं आता है। और इधर देखिए मास्टर लॉन्ग इन केस बोल के एक स्ट्रेटजी है उसमें मास्टर 3.5 लॉन्ग मास्टर 3.5 शॉर्ट ये सब मैंने उन चीज़ बना है बियरिश एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग ये सब चीज़ आप लोग को आप लोग लाइव मार्केट जो स्टॉक्स आप लोग दिख इधर से जो स्टॉक्स आप लोग को टू दिख रहा है वो आप लोग चार्ट में देख के भी कर सकते हैं। इधर से सेकआउट वन सेकआउट टू सेकआउट थ्री सेकआउट फोर उसके बाद लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक पैटर्न लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक पैटर्न दोजी पैटर्न 5050 कैंडल ग्रेप स्टोन कैंडल बहुत सारा चीज़ मैंने बना के रखा है मैंने चार्ट में दिखाने का कोशिश करूँगा देखते हैं कुछ सोच लीजिए मैंने इधर
इधर देखिए ये जो मुझे सीमेंट आप लोग को दिख रहा है, इसमें